मिला दूंगी। इसे लगता है कि मेरे पास जादुई शक्ति है। नहीं नहीं, मुझे यकीन है इसने ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, चौक जाने की। वो फिर कभी नहीं उठेगी। ये सुनकर सब लोग चिंता में पड़ गए और सब लोग अपने पैरों पर झुक गए और डायन से भीख मांगने लगे। मुझे माफ कर दो शक्तिशाली डायन, मैंने गलती की है। हमारी बेटी को हमारी गलती की सजा मत दो। माफ कर दो, वो एक बच्ची है, इतनी निर्दयी मत बनो, दया करो। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने सबक सीख लिया है। मैं अपना शव वापस नहीं ले सकती, लेकिन ध्यान से सुनो, इसकी तकलीफ कम करने के लिए एक उपाय बता सकती हूँ। सत्तर के चुभने से ये गहरी नींद से उठ जाएगी। इसके बाद वे डायन गायब हो गई। राजा ने सबको आदेश दे दिया कि साम्राज्य की सारी सुइयों को हटा दिया जाए और साथ में यह भी आदेश दे दिया कि अगर किसी के पास सुई पकड़ी गई तो उसे गांव के चौराहे पे लटका दिया जाए। हमारी बेटी अब सुरक्षित है, अब उसे कुछ भी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया और राजकुमारी का 16वां जन्मदिन आ गया। क्या अभी भी मुझे दाइयों से घिरे रहना पड़ेगा? ठीक है, मैं दाई को तुम्हारे साथ रहने के लिए मना कर दूंगी। महल के अंदर तुम अकेले रह सकते हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि बिना किसी के साथ के महल के बाहर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ माँ। राजकुमारी बहुत खुश थी अपनी इस नई आजादी को पाने के बाद। उसने अकेले ही पूरे महल में घूमना शुरू कर दिया। तभी